नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्जामपुर में। हम एग्जामपुर कलम संक्रांति आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोगों को गुड इवनिंग, जितने भी मेरे प्यारे साथी जुड़े हैं सभी लोगों को गुड इवनिंग। और एक बार सभी लोग जुड़ जाइए, फिर हम लोग सेशन को शानदार तरीके से स्टार्ट करेंगे। ओके, वर्क पावर एंड एनर्जी का हम लोग क्वेश्चन किए थे कल, कुछ क्वेश्चन बचे होंगे, मुझे लगता है 5 से 10 क्वेश्चन और बचे हैं। उसके बाद आज हम लोग उस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद जो टाइम बचेगा उसमें हम लोग मिक्स क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर हम लोग कल से नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सभी लोग एक बार जब भी, रजनी सिंह गुड इवनिंग, चलिए सभी लोगों को गुड इवनिंग, प्रिया यादव गुड इवनिंग, तो सभी लोगों को गुड इवनिंग जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं। और एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे, जितने भी साथी जुड़े हैं एक बार सभी लोग सेशन को शानदार तरीके से शेयर कर दें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्क पावर और एनर्जी को हम लोग कल कर रहे थे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने किया था कल, जहां तक कर लिया था वहां तक तो ठीक है, उससे आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं चीजों को। ओके, ये किलोवाट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था। ओके, नॉर्मली हम लोग यहां तक 16 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे कल, क्वेश्चन नंबर 16 तक कल हम लोगों ने कर लिया था, इससे आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं चीजों को, ठीक है। संवेग बराबर कल पूछा गया था, एक मोमेंटम बराबर आपने क्वेश्चन किया था कि संवेग बराबर होता है संवेग, और एक बात ध्यान रखिएगा, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। क्या बताया था मैंने? द्रव्यमान गुना वेग। तो संवेग बराबर हमने कल बताया था द्रव्यमान गुना वेग, संवेग। तो एक बात, द्रव्यमान का आप क्या लिखते हैं? केजी लिखते हैं सर, और वेग का क्या लिखते हैं? मीटर पर सेकेंड। तो केजी मीटर, इसका जो मात्रक होगा, इसका जो यूनिट होगा सर, वो हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकंड। और इसके जो डायमेंशन होगा, केजी का क्या होगा? केजी है एम होगा, इसके एम लेंथ है और एस क्या है? टाइम है। तो एम एल टी माइनस वन, ये इसका डायमेंशन होता है, इसका संवेग। चाल और वेग का यूनिट एंड डायमेंशन सेम होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है चाल और वेग का, और यहां पे संवेग और आवेग का यूनिट एंड डायमेंशन सेम होता है, ये दोनों याद रखिएगा। चलते हम लोग, यहां तक कल हमने एक्सप्लेन किया था, यहां से आगे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आदर्श मशीन भी कल ही हो गया था। ओके, ये क्रिकेट गेंद वाला भी हो गया था कल शायद, लगता है मुझे कंप्लीट हो गया था क्या ये, जब एक पॉइंट किसी आनंद तल पर लो। हाँ, यहां से चलिए स्टार्ट करते हैं 20 नंबर को। इस क्वेश्चन को आप बताएंगे, बोला गया है जब एक पिंड किसी अनाथ तल से लुढ़कता है तो इसके पास रहती है, क्या रहता है सर? केवल गतिज ऊर्जा होगा, केवल स्थितिज ऊर्जा होगा, दोनों होगा, गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर एक बार जल्दी से आप लोग बताइए। बपिंग हो रहा है क्या? ओके, ठीक, नहीं कमेंट में यहां पे। कल हमने इस चैप्टर का लगभग ये क्वेश्चन यहां तक कर लिया था, 19 क्वेश्चन तक, आज 20वां क्वेश्चन। जब एक पिंड किसी अनाथ तल पर लुढ़कता है तो उसके पास क्या रहती है? पोटेंशियल एनर्जी, कैनेटिक एनर्जी, या सिर्फ कैनेटिक एनर्जी होगा, बोथ होगा, या नन ऑफ दीज होगा, क्या होगा आंसर? तो 20 का सी नंबर बताया है कि बोथ होगा, कैनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, अनाथ तल मतलब आप देखते हैं ढलान वाला जो सतह है, और ढलान वाले सतह से आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें हमने क्या बोला है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है उसके स्थिति के कारण जो ऊर्जा रहता है, जितना ज्यादा हाइट होगा पोटेंशियल एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा। तो इसमें क्या है, ये जो लकड़ी का टुकड़ा है आप देख रहे हैं, इसमें कुछ हाइट तो भी है, हाइट के कारण इसमें जो एनर्जी है उसको हम लोग बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, और इसमें जो गति है इसके कारण जो एनर्जी है उसमें हम बोलते हैं कैनेटिक एनर्जी। तो इसमें जो ऐसे सतह से, अगर ढलान सतह से कोई चीज नीचे आ रहा है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी और कैनेटिक एनर्जी दोनों देखा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर जो होगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल में हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जब आप क्वाइल स्प्रिंग को कंप्रेस्ड करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, प्रत्यक्ष स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा क्या होगा सर? शून्य होगा, अपरिवर्तित होगा, बढ़ती है, घटती है? बोला गया जब आप एक क्वाइल स्प्रिंग को कंप्रेस्ड करते हैं, जब उसको आप दबाते हैं, क्वाइल स्प्रिंग को क्या करते हैं आप, जब आप उसको दबाते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, तो उसकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी? उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ेगा या घटेगा? यही सीधा सा पूछा गया है। शून्य होगा, अपरिवर्तित रहती है, बढ़ती है या घटती है?
स्प्रिंग है सर, उसको हम दबा रहे हैं, तो दबाने से यह पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने वाला है या घटने वाला है? तो स्प्रिंग को जितना कंप्रेस्ड करेंगे पोटेंशियल एनर्जी उतना ही इंक्रीज होगा। स्प्रिंग को जितना कंप्रेस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी उतना ही इंक्रीज करेगा। तो यहां पे जो आपका आंसर होगा, यहां पे जो आपका आंसर होगा वो होगा बढ़ती है। क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होगा? बढ़ती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज होता है। ओके, चलते हैं हम अगले सवाल में। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 के ऊपर चर्चा करेंगे। 22 नंबर, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? बल, संवेग, दाब या उत्क्षेप? जल्दी जल्दी बताइए, बहुत आसान सब क्वेश्चन है ये, तो आंसर होगा आपका क्या? बहुत लोग अभी भी गलती कर देते हैं, बताइए। ये सब आसान क्वेश्चन, जब अभी जस्ट हमने क्लास स्टार्ट किया और बताया कि संवेग बराबर होगा द्रव्यमान गुना वेग, और यहाँ पे क्या पूछा कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल है वो संवेग कहलाएगा। बी इज द राइट आंसर। संवेग का मात्रक भी मैंने बताया केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, और इसका डायमेंशन भी मैंने बताया MLT-1, ये इसका क्या है? डायमेंशन है, हमने जस्ट बताया कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या? अगला सवाल की तरफ हम चलते हैं। अब सर आपका यहां से जो वर्क पावर एनर्जी का कुछ क्वेश्चंस था वो आपका कंप्लीट हुआ है। न्यूमेरिकल बीपीएससी सबके लिए उतना रेलेवेंट नहीं है, वर्क पावर एनर्जी का न्यूमेरिकल आपको बनाने का कोई जरूरत नहीं है। आप कॉन्सेप्ट और थ्योरी मैंने पूरे क्लास में आपको पढ़ा ही दिया है। तो आज हम लोग थोड़ा मिक्स क्वेश्चंस को करते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के क्वेश्चन मिक्स होंगे। ओके, तो चलिए आप लोग तैयार हैं। आज का जो सबसे पहला सवाल है, वो जरा ध्यान से देखिए। पूछा हमारी आंखों में लेंस का काम क्या है? बहुत आसान से सवाल है। आंखों में लेंस का काम क्या है? आंखों को ढकना या मस्तिष्क के छवियों को संदेश भेजना या आंखों की फोकस दूरी को बदलना या चोट से आंखों को सुरक्षा प्रदान करना? तो लेंस का काम क्या है जल्दी से बताइए, लेंस का काम क्या है? लेंस का काम क्या है? तो यहां पे जो करेक्ट आंसर आया, आंखों की फोकस दूरी को बदलना। फोकस दूरी को सेटलमेंट करता है कौन? लेंस। लेंस का काम क्या है और कौन सा लेंस का इस्तेमाल होता है हमारे आंखों में? कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस। पहला एक इंपॉर्टेंट बात तो ये हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष जो जनरली होता है वो लेंस में खराबी के कारण ही होता है। तो यहाँ पे हम उत्तल अवतल दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने बताया था हाइपरमाइट्रोपिया, जिसको दूर दृष्टि दोष कहा जाता है, तो दूर में हमने बताया था कि उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। किसका? उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। और अगर निकट दृष्टि दोष है उसमें हम लोग अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि रेटिना से पहले ही जो प्रकाश कट जाते हैं आपस में, प्रतिबिंब इमेज फॉर्मेशन होने लगता है। तो वहां पे अगर निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। किसका? अवतल लेंस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों पॉइंट याद आपको पहले से ही होगा। और यहाँ पे आप याद रखिएगा, कैमरा हो या आंख हो, दोनों में उत्तल लेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है, और ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है? किसका निर्माण होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, बेरियम कार्बोनेट का, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का या कैल्शियम ऑक्साइड का? क्वेश्चन नंबर दो जल्दी से बताएंगे, एक बार थोड़ा फास्ट आंसर आप लोग बताएंगे। हमने बोला है चूना पानी, जहां नाम आए चूना पानी, मतलब पानी के साथ अगर चूना मिल गया तो बुझा हुआ चूना कहा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाता है वो? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। और वो किससे अभिक्रिया कर रहा है? प्लस, रिएक्ट विथ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। जैसे कभी आप देखे होंगे कि चूना पानी, जो आप देखे होंगे दीवारों वार पर चूना का लेपन किया जाता है, और थोड़े दिन के बाद देखते होंगे एकदम थोड़ा हार्ड हार्ड टाइप पतले पतले परत जम जाते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट का परत होता है। एक्चुअली होता क्या है, वो वायुमंडल में CO2 से रिएक्ट कर लेता है, और वायुमंडल में CO2 से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा?
CaCO, यहाँ लिखा है चूने के पानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दुधिया हो जाता है, यह किसके निर्माण के कारण होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होगा सर आपका आंसर? होगा कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, ए इज द राइट आंसर, ए विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन क्या है? अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल जो है आपका, जरा ध्यान से देखिएगा, जलाने पर निम्नोक्त में से कौन सा धातु ज्वाला को पीला रंग प्रदान देता है? अलग अलग धातु को जलाने पर अलग अलग रंग प्रदान होती है, तो कौन सा धातु है जलाने पर पीला रंग देता है? कौन सी धातु है जो जलने पर पीला रंग प्रदान करता है? जलने पर पीला रंग प्रदान करने वाला धातु का नाम बताइए, जो जलने पर पीला रंग देता हो। जलने पर पीला रंग प्रदान करता हो, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या बेरियम? जलने पर पीला रंग प्रदान करता हो। थ्री का जो आंसर होगा बी नंबर, पोटेशियम। पोटेशियम जिसको हम लोग बोलते लिखते हैं क्या, जलने पर पीला रंग जो देता है वो सोडियम देता है, जिसकी परमाणु संख्या 11। जलने पर पीला रंग सोडियम देता है। पोटेशियम जो आंसर दिया, पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है, इसका लैटिन नाम केलियम होता है। सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु, अगर धातुओं की संख्या कितना होता है, 91 मेटल है टोटल, 118 तत्व में 91 तो धातु है, 118 तत्व में 91 तो धातु है, कितना धातु है, 91 धातु है। और याद रखिएगा सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु जो है 19 है, पोटेशियम। ऐसे हम पोटेशियम सोडियम को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं, तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा बी इज द राइट आंसर, पोटेशियम। बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अगले सवाल में हम चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या है, चार नंबर। बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होते हैं? बारूद में क्या शामिल होता है? कैल्शियम सल्फेट शामिल होता है, पोटेशियम नाइट्रेट होता है, लेड सल्फाइड होता है या जिंक सल्फाइड होता है? बारूद में क्या शामिल होता है, जल्दी से बताइए, बारूद में क्या शामिल होता है? बारूद में कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, लेड सल्फाइड या जिंक सल्फाइड? बारूद में क्या शामिल होता है? सर सोडियम एन होगा, नहीं, एन ए होता है, नाइट्रियम हम लोग बोलते हैं, सोडियम का लैटिन नाम होगा। यहां पे होगा बारूद में जो मुख्य रूप, गन पाउडर जिसको कहा जाता है, सॉल्ट पीटर जिसको कहा जाता है, यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा पोटेशियम नाइट्रेट होगा, KNO3। क्या होगा? KNO3। आप अगर देखेंगे KNO3 जिसको हम लोग सॉल्ट पीटर कहते हैं, KNO3 जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, दिस इज कॉल्ड द पोटेशियम नाइट्रेट, के फॉर पोटेशियम, NO3, पोटेशियम नाइट्रेट, सॉल्ट पीटर कहा जाता है। बारूद को हम लोग कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, दैट इज कॉल्ड सॉल्ट पीटर कहते हैं हम लोग नॉर्मली। तो पोटेशियम बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है, पोटेशियम नाइट्रेट हमारा जो है शामिल रहता है। एक बार सभी लोग, जितने भी मेरे प्यारे साथी देख रहे हैं, सभी लोग एक बार सेशन को शानदार तरीके से थोड़ा शेयर कर देंगे। ओके, आज शायद आप लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया, एक बार बिल्कुल सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे शानदार तरीके से। तो तीन का जो आंसर होगा आपका क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, अगले सवाल में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिका से अधिक मात्रा होने पर अणु है, जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में, सेल में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, शैवाल पाया जाता है या प्रोटीन पाया जाता है? जल में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, जल में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, जल में, सॉरी, कोशिका में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, सॉरी आप लोगों को आंसर ही बता दिया। तो कोशिका में जो अधिक मात्रा में पाया जाता है, ऐसे भी मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाने जाने वाला कंपाउंड है, यौगिक है जल, और जल सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, कितना, 80%। कोशिका में 80% तो जल पाया जाता है, 15% प्रोटीन पाया जाता है, 15% क्या पाया जाता है, प्रोटीन हमारा जो है कोशिका में 15%, मतलब दूसरा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो है वो है हमारा प्रोटीन। पहला आपका जल हो गया, दूसरा आपका प्रोटीन हो गया, तीसरे नंबर में आपका कार्बोहाइड्रेट आता है, तीसरे नंबर में आप रख सकते हैं। तो जल में, सॉरी, कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु क्या है, जल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, अगले सवाल में चलते हैं। तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मॉर्फोलॉजी क्या है, व्हाट इज मीन बाय मॉर्फोलॉजी, का मतलब आप क्या पढ़ते हैं? कीड़ों का अध्ययन, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, मानव विकास का अध्ययन, स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट,
जीव की आकृति और उसकी संरचना, विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन जल्दी से बताइए। तो कीड़ों का अध्ययन होता है वो हमारा कहलाता है एंटोमोलॉजी। कीड़ों का जो अध्ययन होता है एंटोमोलॉजी, कीट पतंगों का अध्ययन आपने पढ़ा होगा, दैट इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। मानव विकास का अध्ययन जो है एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट अगर आप पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड द ह्यूमन डेवलपमेंट का जो अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, वो हमारा कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी, मानव विकास का अध्ययन। एंटोमोलॉजी होता है कीट पतंगों का अध्ययन, एंथ्रोपोलॉजी होता है मानव विकास का अध्ययन। आपका जो करेक्ट आंसर होगा मॉर्फोलॉजी, व्हाट इज मीन बाय मॉर्फोलॉजी, सी इज द राइट आंसर। जीव की आकृति, उसकी संरचना, विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन कहलाता है मॉर्फोलॉजी। और जीवन और पर्यावरण की परस्पर निर्भरता, इसको हम लोग कहते हैं इकोलॉजी, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम से आप समझते ही होंगे, समझते हैं कि नहीं? इकोसिस्टम समझते हैं कि नहीं? हमारे जीव, हमारे जो पूरे लाइफ साइकिल है, इसमें हम लोग कई चीजों पे ऊपर डिपेंड है, वो भी डिपेंडेंट चीज कई ऊपर कई चीजों पर डिपेंडेंस डिपेंडेंट है। ये जो डिपेंडेंसी है प्रकृति में एक दूसरे पर, इसको हम लोग नॉर्मली इकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम कहलाता है। ये हमारा इकोसिस्टम, जैसे आपने बचपन में एक इमेज देखा होगा कि सांप है, सांप को ये खा रहा, मेढक है, मेढक को सांप खा रहा, सांप को चील खा रहा, तो दिस इज कॉल्ड द इकोसिस्टम, एक सिक्वेंस बना हुआ है। समझ में आ रहा है? दूसरा है स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास का, पहले बंदर कभी होमो में, ये जो डेवलपमेंट पढ़ते हैं एंथ्रोपोलॉजी, एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीट पतंगों का अध्ययन पढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा मॉर्फोलॉजी क्या है, जीवन की आकृति, जीव की आकृति के बारे में, उसकी संरचना का जो अध्ययन करते हैं उसको हम लोग मॉर्फोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सबसे जहरीला मछली कौन सी होती है? पफर फिश होता है, जल्दी से बताए। आज पूरा मिक्स क्वेश्चन जरा देखिए करके कैसा है, कौन सा मछली होता है जो सबसे ज्यादा जहरीला होता है? तो जहरीला मछली जो होता है इसको हम लोग पफर फिश कहते हैं। क्या कहते हैं? पफर फिश जो है ये सबसे ज्यादा जहरीला मछली होता है। क्या नाम है इसका? पफर फिश। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? मछली से जो प्राप्त होता है तेल, वो कौन सा विटामिन का स्रोत होता है? विटामिन सी, विटामिन बी 12, विटामिन डी, विटामिन बी 1। आपको पता है हमारे प्रकृति में जो विटामिन डी का नेचुरल रिसोर्सेस है वो दो है। एक तो हमें धूप से प्राप्त होता है, बहुत लोग आजकल धूप में बैठना, मतलब शहरी लोग जो ज्यादा गांव में लोग तो ज्यादा धूप में रहते हैं, आप देखते होंगे मजबूत भी रहते हैं, स्वस्थ भी रहते हैं। शहर के लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं, पैसे जरूर कमा लेते हैं लेकिन बीमार भी बहुत ज्यादा रहते हैं। एक्चुअली बहुत लोगों का बाल उड़ने की समस्या आप देखते होंगे, तो आधातर बीमारी जो बाल उड़ने का वो विटामिन डी है, आप याद कीजिए। बाल देख रहे हैं ना, बाल उड़ जा रहा है, पूरा मैदान ठीक ठाक साफ सुथरा, तो उसका कारण क्या है? विटामिन डी, विटामिन डी का अभाव है, तो एक कारण है। यहाँ पे विटामिन डी का, मछली का जो तेल है ये विटामिन डी का रिसोर्स है। किसका है? विटामिन डी, और धूप से भी प्राप्त होता है विटामिन डी। एक्चुअली यहाँ पे एक चीज तो आप देखेंगे, विटामिन डी, ये जो टैबलेट आप ट्रांसपेरेंट टैबलेट, इसमें मछली का तेल नॉर्मली होता है। दूसरा चीज, एक इंपॉर्टेंट सेक्शन जो होता है कि आप इसका रासायनिक नाम, विटामिन का रासायनिक नाम से आप अगर याद है तो बहुत बहुत धन्यवाद, अन्यथा आप इसको याद कर ले। विटामिन का रासायनिक नाम जरूर आप याद रखें, जैसे हम लोग विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल, विटामिन सी को बोलते हैं अस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी बीमारी होता है ना विटामिन सी की कमी से, और विटामिन सी आपके शरीर में स्टोर नहीं होता है। ऐसे आप कोविड के समय में विटामिन सी का टैबलेट करते खाते थे, तो वो ऐसा नहीं कि आज टैबलेट खा लिए 2-3 दिन तक काम करेगा, ऐसा नहीं होता है, टॉयलेट वॉयलेट के बाहर आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो विटामिन सी ज्यादातर स्टोर नहीं होता है शरीर में, ये बात समझो, और ज्यादा हीट करने पर, गर्म करने पर खत्म भी हो जाता है विटामिन सी। जैसे आंवला उमला है उसको बहुत गर्म उरम करके आप खा रहे हैं तो विटामिन सी लॉस कर जाता है गर्म करने पर भी। ओके, तो ये चीज आप देख रहे, कच्चा आंवला ठीक है, विटामिन डी कैल्सिफेरॉल, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सी, ई का है टेकोफेरॉल, मतलब विटामिन ई को कुछ बोलो ही मत, टेकोफेरॉल। विटामिन की फिलोफिक्विनॉल। अब ये जो सिक्वेंस होता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे सीरीज होते हैं, विटामिन का होता है, अम्ल क्षार लवण का होता है, तो आपके सामने एक समस्या होता है, सर इसको कैसे याद करें? तो ये एक दिन में याद होता ही नहीं, आप ऐसे एक दिन में रट्टा मार ले, ये सिक्वेंसली हमने कभी याद नहीं किया है सर। पढ़ते पढ़ते आप बहुत बार जब पढ़ते रहते हैं, रिविजन जितना टाइम, मोर टाइम आपको रिविजन होता है, आपको ये याद हो जाता है। ओके, फोलिक एसिड, विटामिन बी 9 को कहा जाता है फोलिक एसिड, तो हो सकता है इधर आपको याद हो लेकिन विटामिन बी 9 आपका फोलिक एसिड होगा। ओके, पैरॉक्सिन आप याद रखेंगे, विटामिन बी 6 को हम लोग पैरॉक्सिन कहा जाता है, पैराडॉक्सिन। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। अगला सवाल क्या है,
एक्स चतुर्थ संयोजक है, वाई द्वि संयोजक, इन दोनों तत्वों द्वारा बना यौगिक क्या हो? एक चतुर्थ संयोजक है, मतलब इसकी संयोजकता जो है, एक्स की संयोजकता जो है वो चार है, और वाई सॉरी चार है, और वाई की संयोजकता जो है वो दो है। तो इस दोनों से अगर हम कोई बंध बनाते हैं वो कैसा होगा, जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा फास्टली आप लोग करेंगे। चलिए एक बार थोड़ा सा सेशन को शेयर कर देंगे, जितने भी प्यारे साथी देख रहे हैं, एक बार सभी लोग एक बार सेशन को जरा शेयर कर दीजिए, सभी लोग जितने भी साथी देख रहे हैं सभी लोग सेशन को शेयर कर दें। ओके, सभी लोग सेशन को शेयर कर दें। तो नाइन का आंसर जो आया सी नंबर आया, हम देखते हैं क्या होता है। यहां पे क्रॉस होता है नॉर्मली एक्स वाई, तो इसका इधर जाएगा इसका इधर जाएगा, तो एक्स टू हो जाएगा, सॉरी यहां पे देखिए एक्स टू हो जाएगा, यहां पे क्या होगा एक्स टू, इसकी संयोजकता इधर आएगा और वाई की इधर आएगा वाई फोर, ये कटेगा तो क्या हो जाएगा एक्स वाई टू हो जाएगा। तो आपका सी नंबर जिन लोगों ने आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट है आपका। अगर आप आंसर कर रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण जो वेग और समय के संबंध को दर्शाता है? तीन समीकरण स्पीड एंड वेलोसिटी में आपको पढ़ाया था, वेग और समय के संबंध को, वेलोसिटी एंड टाइम को, आपको एक ट्रिक दिया था, तरीका, गति का पहला समीकरण से क्या आता है, गति के दूसरे समीकरण से क्या आता है और गति के तीसरे समीकरण से क्या आता है, अभी भी मैं बताऊंगा आप लोगों को, बहुत आराम से आप कर पा रहे होंगे। तो आपका आंसर क्या आएगा, ए नंबर है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ पे टी स्क्वायर। देखो भाई जरा ध्यान से देखिएगा, किसी का आंसर आया सी नंबर, वी बराबर यू प्लस एटी, गति का पहला समीकरण यही होता है, वी बराबर यू प्लस एटी, तीन समीकरण है इसका गति का। लेकिन आपको पता है दो तीन क्वेश्चन पूछा जाता है जो अभी मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से इस क्वेश्चन का, इसका सारा मसला हम हल कर देते हैं। पहला चीज, एक क्वेश्चन पूछता है गति के पहले समीकरण से हमें क्या मिलता है, दूसरे समीकरण से क्या मिलता है और तीसरे समीकरण से क्या मिलता है, ये तीन क्वेश्चन पूछता है। आप जल्दी नहीं बना पाते हैं या बहुत लोग बना पाते हैं, आज हम बताएंगे आप एक सेकंड में इसका आंसर बताएंगे, एक सेकंड में कैसे। भी मतलब होता है वेग, भी हम लोग क्या किसको कहते हैं वेग को, ये तो पता होगा ना। एस मतलब होता है विस्थापन, विस्थापन, और टी मतलब होता है समय, ये तो पता ही है सबको। v मतलब हो गया वेग, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी, s मतलब हो गया विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, और t मतलब हो गया टाइम। बस आपको दो चीजें याद रखना है, क्या, v और s, बस यहां पे गति का पहला समीकरण v और यहां s लिख दीजिए, बस खत्म कहानी। आप तीनों बता देंगे, v के साथ जोड़ दो t को, तो पहले समीकरण से हमें वेलोसिटी और टाइम मिलता है, वेग और समय, फिर इसके साथ जोड़ दो टी को तो विस्थापन और समय, दूसरे पहले समीकरण से यह प्राप्त होता है, दूसरे से यह प्राप्त होता है, और तीसरे से बी प्लस एस को ही जोड़ दो, इस दोनों को उठा के इधर जोड़ दो, वेलोसिटी और विस्थापन ये तीसरे समीकरण से हमें प्राप्त होता है। कितना आसान है गति का, आपको याद रखना सिर्फ बी और एस, बी और एस बस याद रखना, गति के तीनों समीकरण से क्या क्या प्राप्त होता है आप तुरंत बता देंगे एकदम एक सेकंड में। गति का पहला समीकरण से हमें वेलोसिटी और टाइम का पता चलता है, दूसरे से आपको विस्थापन और समय का, तीसरे से वेलोसिटी और विस्थापन का पता चलता है। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए ये आसान पद्धति, जुगाड़ पद्धति है, इससे आप एकदम आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन तुरंत कर पा रहे हो। हाँ हो सकता है चार क्वेश्चन कम करें, लेकिन एकदम अच्छा व्यवस्था आपको दे रहे हैं। याद है, बहुत बहुत धन्यवाद, जिसको याद है उसको बहुत बहुत धन्यवाद। गति का तीनों समीकरण आपको पता ही होगा, v बराबर v, गति का पहला समीकरण है v बराबर u प्लस at, दूसरा है s बराबर ut प्लस हाफ पे t स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तो ये गति का तीनों समीकरण आपको बहुत अच्छे से पता ही होगा। चलते हम लोग आगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, पूछा सोलर कुकर के अंदर का रंग कैसा होता है, सफेद होता है, काला होता है, नीला होता है या भूरा होता है, सोलर कुकर के अंदर का रंग। तो आपको पता है जो ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक होता है वही ऊष्मा का सबसे अच्छा प्रावर्तक होता है, जो ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक होता है वही ऊष्मा का सबसे अच्छा प्रावर्तक होता है।
तो सोलर कुकर का अंदर का जो रंग होता है, कुकर के अंदर का रंग आपको पता ही है, सोलर कुकर का जो अंदर का रंग होता है वो होता है ब्लैक कलर का। कैसा होता है? काला रंग का। पहला बात ये, पहला एक बात तो ये जान गया सोलर कुकर के अंदर का रंग काला होता है। इसमें दर्पण और लेंस दोनों का इस्तेमाल होता है। ये जो आपको दिख रहा है ये दर्पण होता है, ये जो आपको दिख रहा है ये सोलर कुकर का दर्पण होता है। दर्पण तो कौन सा दर्पण अगर पूछ दे तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। सोलर कुकर में जो दर्पण होता है वो अवतल होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं सोलर कुकर। और जो लेंस होता है, जो लेंस होता है, ये जो लेंस होता है ये उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा लेंस? का उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अवतल दर्पण, उत्तल लेंस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इसका मैकेनिज्म कुछ ऐसा होता है, ये सोलर कुकर के अंदर खाना बन रहा है, मान लो बॉल है, बर्तन है, यहाँ पे उत्तल लेंस लगा देता है। ये क्या करता है? प्रकाश को कन्वर्ज करने का काम करता है। तो ये ढक्कन जो होता है लेंस का होता है और ये दर्पण का होता है। इधर एक दर्पण लगा देता है जो सूर्य के प्रकाश को यहाँ पे केंद्रित करने का काम करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये इसमें पूछा जा सकता है कि अगर लेंस पूछेगा सोलर कुकर में कौन सा लेंस का, उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। दर्पण पूछेगा तो अवतल लेंस, अवतल दर्पण का। आपको ये दोनों का इस्तेमाल, आपको समझ में आ रहा है दोनों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे हो रहा है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा सवाल है। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। बोला है मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाओं जैसे कि रक्तदाब, ब्लड प्रेशर, लार, उल्टी, इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अनैच्छिक क्रियाएं हैं जैसे लार आ जाता है, आपको रोकने से नहीं रुकेगा। समझ में आ रहा है ना? उल्टी आ जाना, उल्टी को रोक पाते हैं? तो ये अनैच्छिक क्रियाएं को कौन कंट्रोल करता है? ब्लड प्रेशर को बढ़ना, मेडुला, स्पाइनल कोड, या पोन्स, या हाइपोथैलेमस। बॉडी के टेम्परेचर को जरूर कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। तो एक आंसर तो हम पहले बता दिए। यहाँ पे आपका तीन में से क्या होगा? मेडुला होगा, स्पाइनल कोड होगा, या पोन्स होगा। जल्दी से बताइए। तो 12 का जो आंसर है, 12 का आंसर क्या आया है आपका, जरा ध्यान से देखिए। ये नीचे में जो आपका नॉर्मली पाया जाता है, ये आपका नीचे का भाग क्या होता है? जैसे ग्रीन कलर, मेडुला कहाँ होता है सर? मेडुला ये ग्रीन कलर का जो पार्ट देख रहे हैं, रुक जाओ एक मिनट, ये ग्रीन कलर का जो भाग देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं मेडुला। क्या कहते हैं? मेडुला कहा जाता है। और ये जो मेडुला होता है ये आपके अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कौन? मेडुला। नेक्स्ट हो, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है वोल्टेज को स्थिर रखते हुए, अभी हम पढ़ाएंगे। वोल्टेज हमारा V जो है स्थिर है, ओम्स का नियम पढ़े हैं ना, अभी हम समझाएंगे क्या है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये आप पढ़े कि नहीं? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगा, मतलब वोल्टेज बढ़ेगा। अगर गांव में आप देखते होंगे बिजली का, वोल्टेज बढ़ गया तो लाइट पूरा एकदम चक चक साफ साफ दिखेगा। मतलब वोल्टेज बढ़ जाता है, धारा बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ जाता है। तो V बढ़ता है तो I बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ने से I बढ़ता है, V बढ़ने से क्या बढ़ता है आपका? I बढ़ता है। ओम्स लॉ यही था और कुछ है ही नहीं, ओम्स का नहीं। V बढ़ने से I बढ़ता है, V कम होगा I कम हो जाएगा, वोल्टेज कम, लाइट एकदम हल्का जलने लगेगा। अभी जो हम समझा रहे हैं ध्यान से देखिए, वोल्टेज को स्थिर रखते हुए, वोल्टेज को हम कॉन्स्टेंट रखते हैं, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। यदि अधिक लैंपों को एक श्रेणी परिपथ में जोड़ा जाता है और बल्ब को हम जोड़ते जा रहे हैं, जैसे एक इमेज देखिएगा, वोल्टेज हमारा कांस्टेंट है, यहाँ पे एक इमेज देखिएगा, वोल्टेज हमारा कांस्टेंट है, लेकिन पहले यहाँ एक बल्ब था, फिर हम दो बल्ब जोड़ दिए, फिर हम तीन बल्ब को जोड़ दिए, तो क्या होगा? वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हुए अगर बल्ब की संख्या को हम जोड़ जोड़ कर बढ़ा दें तो क्या होगा, बताओ? तो आपको पूछा है धारा का मान क्या होगा, कुल धारा का मान क्या होगा? कम हो जाएगा, घट जाता है, विल बी डिक्रीज हो जाता है। आपका जो करेक्ट आंसर होगा विल डिक्रीज, घट जाता है। वोल्टेज को कांस्टेंट करके बल्ब जोड़ते जा तो धारा का मान घटेगा कि नहीं? मान लीजिए एक पाइप है, इसमें पानी डाल रहे हैं इस पाइप में और हम छेद करते जा, लीक करते जा, तो धारा जो का मान वैल्यू घटेगा कि नहीं? धारा उतना ही रहेगा जितना पहले, जितना ज्यादा लीकेज होगा धारा उतना ही कम होते जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो बिल डिक्रीज,
वो क्या होगा, घटेगा। ओम्स का रूल आपको पता है, वी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा का मान बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा तो धारा का मान घटेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलते हैं अगले सवाल में। एक बार सभी लोग जरा सेशन को शेयर कर दिया कीजिए, जितने भी मेरे प्यारे साथी जुड़े हैं। अब यहां पे डैश का रहता है रासायनिक प्रतीक लैटिन शब्द केलियम से बना है। किसका रासायनिक प्रतीक जो है लैटिन शब्द केलियम से बना है? हमेशा बढ़ने घटने वाला कंफ्यूज हो जाता है। अभी पढ़ाएंगे, अभी आपको विद्युत धारा भी चैप्टर पढ़ाएंगे, जितने आपके बेसिक्स क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको। यहां जो पूछ रहा हूं सर, जल्दी से बताइए, डैश का रासायनिक प्रतीक लैटिन शब्द केलियम से बना है, अर्जेंटम वल्फ्रम। तो केलियम, तो पोटेशियम का हम क्या लिखते हैं, के लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड केलियम। इसकी परमाणु संख्या कितना है, 19 है। स्टर्नम हमारा क्या है, 3 है, जिसकी परमाणु संख्या हमारा 50 है। वल्फ्रम यहां डब्ल्यू होगा, दैट इज कॉल्ड वल्फ्रम, टंगस्टन को कहते हैं। अर्जेंटम सिल्वर को कहा जाता है, एजी चांदी को अर्जेंटम। ऑरम गोल्ड को कहा जाता है, लैटिन तो याद ही रखो, ऑरम मतलब सोना। ऑरम किसका है, गोल्ड का है सर। अच्छा ये बताइए, अभी तो 70-77 लोग देख रहे हैं, आप 7 बजे सर क्यों नहीं आते हैं? मतलब हम देखते हैं 30-35 लोग, 40 लोग हैं जो पहले क्लास पहले क्वेश्चन से क्वेश्चंस करते हैं। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है सर, आप आइए और रेगुलर क्लास कीजिए। यूट्यूब का यहाँ से हमें एनालिसिस दिखता है, 10-12 लोग हैं जो 1 से 2 मिनट देखते और चले जाते हैं। वो डेली वैसे वैसे लोग आते हैं 10-12, जो उसका काम है YouTube टू YouTube सर्च करना, जैसे होता है ना घर घर घूमते रहना। हम क्लास के बाद नॉर्मली देखते हैं, 12-15 बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ घूमते रहते हैं। वो अच्छा इस पे क्या हो रहा है, इस पे क्या हो रहा है, इस पे क्या हो रहा है, सर उसे रिजल्ट नहीं होगा। आप मेरे पास पढ़िए या कहीं और पढ़िए, लेकिन पढ़िए स्थिर होकर। आप जब तक उस पर 1 घंटा 1 दिन 4 दिन 5 दिन उस टीचर के साथ नहीं बिताएंगे, आप 2 मिनट में क्या क्या जज कर लेते हैं, ये आप सोच खुद सोच सकते हैं कि अगर आप ही पढ़ा रहे हो और कोई आदमी और 1 मिनट में देख के बता दे, कैसे हो सकता है? या वो सोचे कि हम सीख ले 1 मिनट में, और फिजिक्स जैसा चैप्टर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये आपका लैटिन नाम पता, अलग अलग धातुओं का लैटिन नाम आपको पता ही है, ये भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे आप एंटीमनी को स्टीबियम बोलते हैं, कॉपर को क्यूप्रम बोलते हैं, गोल्ड को हम लोग नॉर्मली ऑरम बोलते हैं, आयरन को हम लोग फेरम बोलते हैं, लेड को प्लम्बम बोलते हैं, मर्करी को हाइड्रागिरम, पोटेशियम को केलियम, सिल्वर को हम लोग अर्जेंटम, सोडियम नाइट्रियम बोला जाता है, टीन को स्टैनम बोला जाता है, और टंगस्टन को हम लोग वल्फ्रम बोलते हैं। यह नॉर्मली लैटिन नाम है। क्या है ये हमारा लैटिन नाम है। निम्न में से कौन सा धातु और अधातु दोनों के रूप में ही कार्य नहीं करता? मेटल और नॉन मेटल दोनों के रूप में कार्य नहीं करता, बोरॉन, आर्सेनिक, बिस्मथ या जर्मेनियम। तो हमने क्या बोला है, जरा ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में कौन सा धातु और धातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है, बोरॉन, बिस्मथ, आर्सेनिक या जर्मेनियम। मेटल और नॉन मेटल दोनों के रूप में कार्य नहीं करता। आपको पता है कि हमारे पास 118 तत्व हैं। तत्वों की संख्या कितना है भाई साहब? तत्वों की जो संख्या है वह 118 तत्व है। 118 तत्व को हमने 3 भागों में विभाजित किया। क्या क्या? धातु, दूसरा क्या है अधातु, अधातु, उसके बाद एक हमारा क्या है उपधातु, उपधातु, धातु, अधातु, अधातु लिखे हैं सर, अधातु यहां देख लिया, उपधातु। धातुओं की संख्या 91 है, अधातुओं की संख्या 20, उपधातुओं की संख्या, ये तो हम हमेशा बोलते ही रहते, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का, जैसे बोरॉन परमाणु संख्या 5 होता है, ये उपधातु है। ये क्या है? उपधातु है, उपधातु, अगर आप पढ़े होंगे उपधातु। ये हमारा आर्सेनिक है सर, परमाणु संख्या 33 होता है, आर्सेनिक है, याद रखिएगा, ये भी हमारा उपधातु होता है। इसमें मेटल और नॉन मेटल धातु धातु दोनों का गुण, ये ट्रेन वाला जेंडर। जर्मेनियम ये भी उपधातु है, धातु और धातु दोनों का, लेकिन बिस्मत हमारा नहीं है, बिस्मत जिसकी परमाणु संख्या 83 होता है। समझ में आ रहा है? यहां पे करेक्ट आंसर है धातु और धातु दोनों का गुण नहीं पाया जाता, वो होगा सी इज राइट आंसर। सही हो रहा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सोनी जी अभी आके लिख रहे हैं गुड इवनिंग, जब क्लास खत्म होने वाला है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगले सवाल में हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका बॉर्डर लाइन एलिमेंट होता है, जैसे आप देखे होंगे बॉर्डर लाइन, ये बॉर्डर लाइन जो कि धातु और धातु को अलग करता है, और बिस्मत हमारा जो होता है वो धातु में आता है। बिस्मत एक क्या है, धातु है, मेटल है, इसकी परमाणु संख्या हमारा क्या होता है, 83 होता है बिस्मत, 82 में हमारा सीसा होता है। ओके क्लियर है यहां तक, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से दो आवर्त में 8 तत्व मौजूद, आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन से पीरियड में, कौन से आवर्त में, आवर्त में 8 तत्व मौजूद है, आवर्त की संख्या, आवर्त, आवर्त कितने हैं भाई साहब, तो आवर्त की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 आवर्त है। पहले आवर्त में दो तत्व है हाइड्रोजन और हीलियम, दूसरे में 8 और तीसरे में 8 और चौथे में आपका 18 हो जाता है, पांचवें में आपका 18 हो जाता है, छठे में आपका 32 हो जाता है, सातवें में आपका 32 और अधूरा आप लिखते हैं। नॉर्मली 2 और 3 में जो है आपका 8-8 तत्व पाए जाते हैं, दूसरे और तीसरे में आपका 8-8 तत्व मौजूद होता है, दूसरे आवर्त और तीसरे आवर्त में आपका 8-8 तत्व मौजूद होते हैं, किसमें, दूसरे और तीसरे आवर्त में आपका 8-8 तत्व मौजूद होते हैं। ये समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे भाई, बता दीजिए एक बार आप लोग अच्छे से इस चीजों को हमें बता दीजिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, अगले सवाल में हम लोग चलेंगे, क्या है जीपीएस का पूरा नाम क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस, जीपीएस का पूरा नाम क्या है, तो ग्लोबल, अब देखिए ग्लोबल प्राइम सिस्टम है, ग्लोबल पीस सिस्टम है, ग्लोबल पोस्टल सिस्टम है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, तो जीपीएस का जो फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है, क्या होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, आपका जो करेक्ट आंसर होगा डी इज द राइट आंसर, आपका गाड़ी कहाँ चल रहा है, पोजिशन क्या है, इसको हम लोग नॉर्मली ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, समझ में आ रहा है कि नहीं, और बताइए सब बढ़िया, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है ना, चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सब आप, हमको पता है सर आप किस समस्या से जूझ रहे हो, आज पता है ना, लोगों को अपने से ज्यादा मतलब है दूसरा क्या कर रहा है, किसी समस्या से आप परेशान, लेकिन उन सब चीजों को भूल जाइए, बहुत लोग ज्यादातर आज जो ज्यादातर लोग परेशान है सिर्फ ये परेशान है कि अगला आदमी हमारे बारे में क्या सोच रहा है, बस इसी से परेशान है, सही बात है ना, हम कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं, या हम तैयारी कर रहे हैं नौकरी नहीं होगा तो क्या बोलेगा पढ़ने वाला, लेकिन ऐसा मत, देखिए हमेशा पॉजिटिव चीज का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आया है, और याद रखिए अगर पढ़ाई ईमानदारी के साथ किए हैं ना प्रॉपरली ईमानदारी के साथ, हो सकता है कि आप एसडीएम ना बने लेकिन नौकरी जरूर मिलेगा, हो सकता है कुछ चीजों की कमियां हो जो बहुत कमजोरी, सब में कुछ ना कुछ होता है, हो सकता है आपकी कमजोरी बहुत ज्यादा हो जिसको आप ज्यादा ठीक ना कर पाए, लेकिन इतना भी ठीक नहीं होगा कि और कोई नौकरी ना मिले, मिलेगा जरूर, अगर आपने सोचा है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना तो जरूर होगा सर, ईमानदारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप कितने ईमानदार हैं अपने कार्य के प्रति वो आप ही जानते हैं, हम भी नहीं पा, मुझे भी पता नहीं, आप टाइम से कितने टाइम क्लास कर रहे हैं, कितने नोट्स हैं, कितने चैप्टर का टॉपिक लिस्ट आपने बनाया है, और कितने आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, आधा कंपटीशन के लड़कों को यही पता नहीं है सर कि हमारा, उसके पास एक लिस्ट होना चाहिए हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले तो एक सब्जेक्ट का क्या सब्जेक्ट है, दूसरा सब्जेक्ट में टॉपिक का क्या टॉपिक है, ये आधा लोगों के पास पास नहीं है, ये आधा लोगों के पास नहीं है ये चीज, समझ में आ रहा है, अब सही में बता रहा हूं, 3 साल बाद भी पता नहीं होता है कि मैथ्स में कितना चैप्टर कंप्लीट हो गया, ज्योग्राफी में कितने चैप्टर कंप्लीट हो गया, तैयारी के 3 साल हो गए, फिजिक्स में कितना चैप्टर कंप्लीट किया है, बायोलॉजी में कितना चैप्टर मुझे अच्छे से आ रहा है वो पता नहीं, सबसे पहले वो बनाइए, उसी से आप अपना पैमानों को वजन कर सकते हैं हमें कितने चीज आते हैं, और पूरे पढ़ने का टाइम जो होता है वो स्टडी आवर का 80% हम रिविजन में लगाना चाहिए, एंड नॉर्मली कंपटीशन वाले बच्चों को तो 90% रिविजन करना चाहिए, क्यों, अगर आप डेली 6 घंटा या 5 घंटा पढ़ रहे हैं सर, 5 आवर्स आप डेली पढ़ रहे हैं, अब 5 घंटा में कितने नई चीजों को सीखा, 10 दिन के पढ़ाई में 50 घंटा का स्टडी आपके पास कंप्लीट होता है, और वो 50 घंटे की चीजों को आप जितना रिवाइज करेंगे, तो ज्यादा टाइम जब भी आप पढ़िए सेल्फ स्टडी कीजिए, उसमें नए चीजों को लेकर मत बैठिए, हो सकता है आपको दिमाग लगाना पड़े और 4 ही क्वेश्चन लेकर हम बैठे रह जाए 2-3 घंटे, उससे अच्छा है जो हम पुराना चीज को पढ़े, बस उसको भूलना नहीं है, उस पर और आप कहते हैं ना
क्लियर करते रहिए, पढ़ते रहिए और उस पर कॉन्फिडेंस लेवल तभी बढ़ेगा। तो ये छोटा मोटा ज्ञान है सर, अगर आपको अच्छा लगे तो आप उतारिए, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे पेपर में अगर ये सब चीज़ों को, छोटे छोटे रूल्स को फॉलो करें। युद्ध सिर्फ सेना से नहीं जीता जाता है, एग्जाम सिर्फ पढ़ के नहीं होगा, रणनीति भी बेहतर होगा तभी आप एग्जाम क्लियर कर पा रहे हो। तो ये आपका मन, ओके। यहाँ क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या है, बीच बीच में कभी कभी बोल देते हैं दो चार बार, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो फेरस सल्फेट बोला गया, फेरस मतलब हो गया Fe, मतलब हो गया लोहा, लोहा का सल्फेट, एक होता है कॉपर सल्फेट। तो फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र का आंसर बताइए। क्यों, हम ये नहीं कह रहे एडिक्शन की बात नहीं है, आप अगर खुद ऑफलाइन सेंटर में, मैं खुद पढ़ाता था बच्चों को ऑफलाइन में, और बहुत 2 साल तक मैंने पढ़ाया है, और मैं उतना नहीं पढ़ा पाता था जितना ऑनलाइन में 1 घंटे में पढ़ा पाता हूं। एक तो जाने में आधा घंटा, आने में आधा घंटा, फिर हम रेडी हो रहे हैं उसमें 1 घंटा, तो 3-4 घंटे में एक क्लास पढ़ के आया था। चलिए जल्दी बताइए, क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। नीला थोता, एक होता हरा कशिश, हरा कशिश हम लोग कहते हैं फेरस सल्फेट, किसको कहते हैं फेरस सल्फेट को हम लोग हरा कशिश कहा जाता है, इसका सूत्र होता है FeSO4 × 7H2O, जल के इसमें 7 अणु पाए जाते हैं। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन आपका क्या, जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, फेरस सल्फेट का एक टेबलेट बनता है जैसे एनीमिया बीमारी, जिसमें रक्त की कमी होती है, उसको देते हैं हम लोग फेरस सल्फेट का टेबलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु जिसे कुछ देर के लिए हवा में रखा जाता है उस पर हरे बेरी लगे, हरा जंग किस धातु पर लगता है? हरा जंग कॉपर कार्बोनेट। तो तांबा, जिसकी परमाणु संख्या 29 है, तांबा क्या है परमाणु संख्या 29 है, इसको, इस पर हरा जंग लगता है, हरा जंग क्या लगता है? हरा जंग लगता है सर, कॉपर कार्बोनेट का, CuCO3 का, कॉपर कार्बोनेट का एक जंग लगता है कॉपर। जैसे आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी, हमने कई बार पढ़ाया कि आप देखेंगे पहले ये ऐसा दिखता था, अभी आपको ऐसे ग्रीन कलर का दिखेगा, क्योंकि ये कॉपर का बना हुआ मूर्ति था, उस पर जंग लग के धीरे धीरे हरा हो गया, तो इसको कहते हैं हरा जंग, कॉपर पर लगता है वो जंग, जिसको कॉपर कार्बोनेट कहा जाता है। क्या कहते हैं? कॉपर कार्बोनेट कहा जाता है। ये जंग कहां लगता है? कॉपर पर यह जंग लगता है सर। चलिए यहां तक बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपका क्या है, अगला सवाल आपका क्या है देखते हैं। सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाले सौर ऊर्जा का उपयोग, सनलाइट को सूर्य ऊर्जा, या सीधा समझिए हीट एनर्जी, सूर्य ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? फोटोवोल्टिक सेल होता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होता है, प्रावैगनी किरण, परमाणु विखंडन, क्या होगा आपका आंसर? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। एक बार थोड़ा सा सेशन को शेयर करके आप लोग थोड़ा 20 से ऊपर, 100 से ऊपर लेके चलिए एक बार साथी, सभी लोग जितने भी मेरे प्यारे मित्र देख रहे हैं, सभी लोग एक बार सेशन को जरा शेयर कर दीजिए। बीस का ए नंबर है फोटोवोल्टिक सेल, मैंने आपको कल भी पढ़ाया था व्हाट इज मीन बाय फोटोवोल्टिक सेल। ये फोटोवोल्टिक सेल जो होता है सूर्य प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में, जैसे आप सोलर प्लेट का ये अलग अलग लेयर है, एल्युमिनियम फ्रेम, टेम्पर्ड ग्लास, उसके बाद यहाँ पे सोलर सेल, इसको हम लोग फोटोवोल्टिक सेल को सोलर सेल भी कहते हैं, फोटोवोल्टिक सेल को जो है सोलर सेल भी कहा जाता है। इस सोलर सेल का काम क्या है? सूर्य ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम जो करता है ये सोलर सेल करता है, सूर्य ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का जो काम करता है ये सोलर सेल करता है। कौन करता है? सोलर सेल करता है। ओके, नेक्स्ट वन क्या है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 21 नंबर, विद्युत रोधियों का प्रतिरोध कितना होता है? विद्युत रोधी किसको कहते हैं? जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है उस पर कितना अवरोध होता है? तो विद्युत रोधियों पर जो रेजिस्टेंस होता है, अगर एनसीईआरटी की डाटा देखें तो 10^12 ओम मीटर से लेकर 10^17 ओम मीटर ये रेजिस्टेंस होता है विद्युत रोधी इंसुलेटर का। लेकिन अगर कंडक्टर के विषय में बात करें, सबसे अच्छा चालक जो होता है वो चांदी होता है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक सिल्वर होता है, उसके बाद कॉपर, एल्युमिनियम, टंगस्टन, ये आपको ध्यान रखना होगा, निकेल, आयरन, क्रोमियम, मरकरी, मैग्नीशियम, ये आपको नॉर्मली याद रखना होगा, कम से कम 4 तो याद रखो। विद्युत का सबसे अच्छा चालक सिल्वर होगा, कॉपर होगा, उसके बाद एल्युमिनियम, फिर आपका टंगस्टन, फिर निकेल, फिर आयरन, मतलब लोहा बहुत दूर है,
एलाइम, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में किसका उपयोग पेयजल के कीटाणु रहित करने में किया जाता है। तो पेयजल को साफ करने में के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा का, बेकिंग पाउडर का, ब्लीचिंग पाउडर का, या धोबन सोडा का। तो यहां जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जनरली जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा ब्लीचिंग पाउडर का, किसका इस्तेमाल करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। यहाँ पे आप देख रहे हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, CaOCiO का होल ट्वाइस, दैट इज कॉल्ड कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ब्लीचिंग पाउडर का, समझ में आया कि नहीं आया, चलते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, अगला सवाल क्या है, दिया गया प्रतीक किसका प्रतिनिधित्व करता है, कार्बन, सोना, पारा या हाइड्रोजन। ये जो सिंबल है ये किसका सिंबल है, पहले के समय में हम एच नहीं लिखते थे, एच ही नहीं लिखते थे, कैल्शियम नहीं लिखते थे, जल्दी से बताइए, एक बार जल्दी बताइए, कार्बन का, सोना का, पारा का या हाइड्रोजन का। तो एच का, हाइड्रोजन। नॉर्मली देखिएगा हाइड्रोजन का जो सिंबल है, यहां पे करेक्ट आंसर आपका होगा हाइड्रोजन, क्या होगा हाइड्रोजन। लेकिन अगर हम बात करें हाइड्रोजन का सिंबल आप देख सकते हैं, कार्बन का राउंड क्या हुआ, इस पे शेडेड क्या हुआ, ये कार्बन का, ऑक्सीजन का सिर्फ राउंड क्या हुआ, इन चीजों का आप ख्याल रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे 24 नंबर, डैश वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है। हमने पहले बताया कि पक्षी वर्ग, एम्फीबियन क्या होता है, उभयचर, जो जल में स्थल में, जैसे मेढक, ये उभयचर के अंतर्गत आता है। लेकिन हम बात करें पक्षी वर्ग का, हाथी, जानवर, आदमी जितने हैं, ये सारे का ये वार्म ब्लडेड है। रेप्टाइल जो होता है वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जैसे सांप हो गया, मछली हो गया, लिजार्ड हो गया, ये सब कोल्ड ब्लडेड होते हैं। क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं रेप्टाइल। और आज का अंतिम सवाल है, आज का अंतिम सवाल ऑक्नोलॉजी। तो ऑक्नोलॉजी जो है ये कैंसर से संबंधित है, ये किससे संबंधित है, ऑक्नोलॉजी किस बीमारी से, उपचार से, ऑक्नोलॉजी हमारा कैंसर से संबंधित है, किससे संबंधित है, कैंसर से संबंधित है। तो आज का ये शानदार सा सेशन, कल हम लोग देखते हैं नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, वो चैप्टर हमारा होगा विद्युत धारा, हम लोग कल स्टार्ट करते हैं। ओके, तो कल जरूर सभी लोग आइएगा 7 बजे, क्योंकि विद्युत धारा पूरे बेसिक से अगर पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपको मन करे तो ठीक है कि थ्योरी पढ़नी चाहिए, हम चाहते हैं सर आपको थ्योरी पढ़ाना, लेकिन बहुत सारे बच्चे थ्योरी पढ़ना ही नहीं चाहते। अब आप लोग एक बार टाइप कर लीजिए, अगर आपको MCQ करना है तो 1 टाइप, थ्योरी पढ़ना है तो 2 टाइप, MCQ करना है तो 1 टाइप करेंगे, थ्योरी पढ़ना है 2 टाइप। मैं आज एक बार देख लेता हूँ आपका मन में क्या चल रहा है, जल्दी से बताइए, एक बार जरा फास्ट आंसर कर दीजिए आप लोग। थ्योरी के लिए 1 टाइप करेंगे, MCQ के लिए 2 टाइप करेंगे सभी लोग। चलिए, ये जो है आपका MCQ के लिए और ये आपका थ्योरी के लिए। तो 80% लोग जो है वो MCQ ही करना चाहते हैं। ठीक है, मैं आपको चैप्टर वाइज, अगर कल होता है तो विद्युत धारा का MCQ ही स्टार्ट करेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं। फिर सभी लोगों का कमेंट एक आ रहा है, चलिए तो फिर देखते हैं सर कल, एक बार ऑफलाइन कमेंट कर दीजिएगा क्लास में। ठीक है, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लासों में, मिलते हैं, जय हिंद जय भारत। फिर आपका सेशन आज का यहीं तक रहेगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।